हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं कि करीना कपूर ने आखिर ऐसा क्यों कहा कि खाओ पियो मस्ती करो और आज के दिन क्या भूखो मरना, इसी पर हम आगे बातचीत भी कर रहे हैं और समझने की भी कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग जो महिलाएं हैं जो काम करती हैं या वो हाउस वाइफ है वो इसको कैसे देख रही है। चारू आप सुन रही है अभी इतनी देर से डिस्कशन जो हो रहा है उसमें अभी जूरी ने भी एक पॉइंट रखा कि कुछ तो चीजें ऐसी है कि जबरदस्ती जो है आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है, तो इसलिए वो करीना कपूर से कहीं ना कहीं वो सहमत है। नहीं, मैं भी आधुनिक जमाने की महिला हूँ और मैंने ये सारी चीजें संस्कारों से होती है। मैंने अपनी माँ को देखा और घर में देखा और जितनी भी महिलाएं हैं सबको देखा, तो मेरे घर में ये बहुत अच्छे से मनाया जाता है ये करवा चौथ का त्यौहार। मुझे खुशी हो रही है, मेरे हस्बैंड भी सुबह से बड़े खुश हैं कि मेरी पत्नी ने मेरे लिए व्रत रखा। तो ऐसा नहीं मुझे लगा कि इस व्रत को करके मैं ढोंग कर रही हूँ या फिर नहीं करना चाहिए या फिर प्यार बहुत कम दिखेगा पति के लिए। ये मेरे खुद के ऐसा नहीं है कि मैं बहुत पुराने जमाने से हूँ या फिर नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं तो सहमत नहीं हूँ कि एसिडिटी होती है, ये सारी चीजों से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। बिल्कुल, यानी कि इसके अंदर आस्था होगी, भगवान पे विश्वास रखता है वो, अपने पति से प्यार करता है, तो उस तरह के व्रत कुछ भी मायने नहीं रखते हैं। मैं नहीं समझती, मैं तो इन सब बातों से सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। बिल्कुल, सीमा आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाह रही थी कि अगर किसी का स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन ये जिसको इस चीज का सौभाग्य मिलता है वो बहुत खुशकिस्मत होती है। हमारे यहाँ नहीं होता, कश्मीरियों में और जैनियों में, तो मैं खुद सोचती हूँ कि ऐसा क्यों नहीं होता। कभी कभी बहुत मन करता है कि मैं भी करवा चौथ का व्रत करूँ। हम लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि होता नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। एक सामाजिक परंपरा होती है, हिंदू रीति रिवाज होते हैं, तो उस दिन बहुत कुछ करने का मौका मिलता है, सजने का, तवरने का, आपको अपनी हर मनमानी कराने का मौका मिलता है। तो ऐसे खुश किस्मत के जो त्यौहार होते हैं उन्हें क्यों ना मनाया जाए। और फिर समर्पण सबसे बड़ी चीज है औरत की, तो अपना समर्पण को वो क्यों ना दिखाए कि वो बहुत ज्यादा समर्पण और सहनशील है। बिल्कुल, और रुझान आप सुन रही हैं, ये जो तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि किसी को तो अभी मतलब वहां पे उनकी परंपरा ये नहीं है लेकिन वो शौक से करना चाहती हैं। हमारे साथ हाउसवाइफ हैं चारू अग्रवाल, वो कहती हैं कि ऐसा नहीं है कि मेरे पर कोई जबरदस्ती है, मैं अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ, और ऐसा करीना को बिल्कुल कहना नहीं चाहिए था। सी एक बात ये है, अभी टॉक ऑफ डेमोक्रेसी, वी टॉक ऑफ फ्रीडम, राइट? हर एक के पास अपना फ्रीडम है, जिसको श्रद्धा हो वो करेगा, जिसको लगता है कि मुझे नहीं करना है नहीं करेगा। अगर किसी को एसिडिटी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि अगर आस्था हो तो एसिडिटी नहीं होगी, क्योंकि आस्था होगी तभी एसिडिटी तो होने ही वाली है। सो लेट मी नॉट गेट इनटू दैट, लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये हो रहा है कि वी शुड रिस्पेक्ट व्हाट अदर्स आर सेइंग एंड व्हाट दे आर डूइंग एंड इट्स नॉट देयर। उनका बॉडी अगर सहन करता है तो उनको दिल से हो रहा है, क्योंकि अगर कमिंग बैक टू जो पुराने पॉइंट है कि एक मैडम ने बताया कि कमिंग बैक टू दैट, मैडम ने यह बताया कि अगर ये हम नहीं करेंगे तो भगवान हमसे नाराज हो जाएंगे, या एक मैडम ने बताया कि इससे क्या होता है कि वो लड़के लोग नहीं करते, तो व्हाट आई वांट टू से कि अगर किसी ने एकदम श्रद्धा से भी किया है और हो सकता है कि उसका हस्बैंड उसको सही ट्रीट नहीं करता है, भले वो कितनी भी श्रद्धा से करे, तो मुझे ये पूछना है कि कहां गए फिर वो भगवान जो इतनी फेथफुली वो लड़की कर रही है, फिर भी भगवान ने उसका सपोर्ट नहीं किया। सो यू नो इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू ऑल दिस थिंग, जिसको श्रद्धा है जिसको करना है वो करे, जिसको नहीं करना है नहीं करे। एंड अगेन रिपीटिंग, करीना कपूर हैज मेड अ वेरी लाइट स्टेटमेंट, उसने किसी के फीलिंग्स को हर्ट नहीं किया है। कहीं ना कहीं आपको लगता है ये कि एक पब्लिक फिगर है, वो बात जब कह रही है तो शायद उनको एक बार सोचना तो चाहिए एटलीस्ट कि जो लोग रखते हैं व्रत, जो लोग पूरे दिन तैयारी करते हैं, काफी दिन पहले से तैयारियां करते हैं, उनको कहीं ना कहीं धक्का पहुंचेगा। जो करीना कपूर को शायद पसंद भी करने वाले होंगे, उनको लगेगा कि आखिर करीना ने ऐसा क्यों कहा। नहीं, अरे लेकिन उसने आप जी सम्मान की बात करती है, रिस्पेक्ट की बात करती है, तो आज के दिन में जो सुबह से महिला भूखी है, एक दिन पहले से सारी तैयारी कर रही है, तो करीना को जो हम मेरी तो बहुत फेवरेट थी, लेकिन इस बयान के बाद मुझे थोड़ा सा आता नहीं पहुंचा है। तो उनको सबके देश से उन्होंने आम महिला की सम्मान की बात नहीं कही है, तो मैंने इसको करीना ने बोला इसलिए मैं नहीं करूंगी। उनके हस्बैंड लोग खुश होंगे कि मेरी बीवी कितनी अच्छी है कि करीना को नहीं जानती है लेकिन मेरी बीवी खुद कर रही है। सो यू नो इट्स लाइक ये पॉजिटिव होने वाली है, सो लेट अस एक्सेप्ट दैट कि ये पॉजिटिव बात है और इससे किसी को कोई ठोस नहीं पूछनी, पॉजिटिव बात है। और आई अगेन रिपीट कि हस्बैंड लोग खुश होंगे कि चलो मेरी वाइफ कितनी अच्छी है, मेरी वाइफ करीना नहीं है। इन फैक्ट ये तो पॉजिटिव चीज है दूसरी वाइफों के लिए, दूसरी वाइफ को हैप्पी होना चाहिए कि देखो हम कितने अच्छे हैं। आप करीना करीना की बातों से सहमत है? आप जूली कुछ कहना चाह रही है? जूली कुछ बोलना चाह रही है आप?
जैसे ही हम ये हिसाब किताब शुरू करते हैं कि मैं भूखी रहती हूँ, मैं बड़ी त्यागवान हूँ, मैं बड़ी सहनशील हूँ, तुम नहीं हो, सारा प्यार वही बेकार हो जाता, सब प्यार रहा ही नहीं, क्योंकि आपने मांग शुरू कर दी, आपने दावेदारी शुरू कर दी। प्यार के बाद नाजुक एहसास है, आपकी खुशी थी, आपकी उम्र थी, आपने किया, आप दावेदारी मत कीजिए उसके लिए। करीना ने कहा बहुत अच्छी बात कही, जो भूखी नहीं रहना चाहती वो क्यों रहे, जबरदस्ती क्यों रहे, आपकी भावनाएं हैं आप रहिए, आपको लगता है आपके परिवार में होता है आपको मिलजुल के करना अच्छा लगता है आप कीजिए। लेकिन करीना ने कहा उसे नहीं अच्छा लगता, मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे सुबह सुबह भूख लग जाती है, बहुत सारी औरतें इतने नहीं, लेकिन दबाव में किया जाए ये कौन सी खूबसूरती है, नहीं दबाव डाला किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है, खत्म हो गई गाँव देहातों में जाइए, बहुत होता है। नहीं, करवा चौथ एक ऐसा त्यौहार है कि एक औरत नहीं है मेरी शादी शादी को होता नहीं है, और एक सुन लेते जी, करवा चौथ एक ऐसा त्यौहार है जो एक नई नवेली शादीशुदा भी बहुत मन से करती है और एक 80 या 70 साल की महिला भी बहुत मन से करती है। तो आपकी ये प्यार की बड़ी बड़ी बातें तो मुझे समझ में नहीं आती, बस हम ये महिलाएं हम इतना जानते हैं कि हम अपने पति से प्यार करते हैं और उनकी लंबी आयु के लिए हम ये व्रत करते हैं। तनिषा आप कुछ कहना चाहेंगी? कि लंबी लंबी आयु तो होती नहीं, मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये जो है ये भगवान होते हैं ना, आप हैं जूलियो, नहीं नहीं दैट्स राइट, नहीं नहीं हेलो एक्चुअली ये भगवान है, बट अगर करीना ने ऐसा बोला है तो उसको इतना पर्सनली लेने का मतलब है नहीं जी, ये तो आपके ऊपर डिपेंड होता है ना, आप किसी की बातों को कितना पर्सनल लेते हैं वो उसका अपना ओपिनियन है, अगर आपको जो करना है वो आप कीजिए, अगर आपको भगवान पे भरोसा है तो आप भगवान पे भरोसा रखिए। ऐसा बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी, बस। सीमा कुछ संक्षेप में कहना चाहेंगी? आपको जाना है, क्यों नहीं करनी चाहिए थी ऐसी बयानबाजी, उसे खाना है वो नहीं खाएगी, यही तो दूसरी औरतों का महिला वाला क्यों दे रही है, आप ये वुमेनाइज वाला काम गलत कर रहे हैं, इसमें कोई महिला वाला सीन नहीं है, कि महिला इसमें नहीं बोलना चाहिए, बेचारे लेटर से जैन लोग भी रखते हैं अपना जो नसीहत दे रही है, तो अपने लेटर से देंगे तो महिला वाला चक्कर यार, नहीं नहीं महिलाओं को नसीहत नहीं दीजिए, दूसरी महिलाओं को नसीहत मत दीजिए, कृपया महिला के साथ साथ एक सेलिब्रिटी भी है और सेलिब्रिटी को लोग देखते हैं, समझते हैं, उनकी बात पे विचार करते हैं, अगर सेलिब्रिटी कुछ भी बोलेगा समाज में उसका गलत डिसीजन जाएगा, लोग गलत उससे किसी भी परंपरा को निभाने में कुछ भी कर सकते हैं, तो मैडम सेलिब्रिटी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, गंभीर रहना चाहिए सेलिब्रिटी को, सेलिब्रिटी को वही कार्य करना चाहिए जो समाज की भलाई के लिए है, अगर उसको नहीं अगर उनको नहीं मालूम, अगर वो धर्म के ऊपर नहीं मानते तो मत माने, पर समाज में इस तरह का बवंडर ना फैलाए, समाज में इस तरह की धारणा ना फैलाए, क्योंकि सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी होता है, दुनिया उसको पूछती है, दुनिया उसको ध्यान से देखती है, दुनिया उसको मानती है, करोड़ों उनको जानने वाले होते हैं, अधिकारी होते हैं, सुन रहे हैं काफी देर से, पंडित जी कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं उनको जी, बताएं। देखिए करीना जी ने जो कहा वो एक प्रेरणा स्त्रोत्र है लोगों के लिए, लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं, जो आदमी प्रेरणादायक होता है वो किसी भी धर्म के ऊपर कुठाराघात नहीं कर सकता, अगर उनको नहीं मानना तो मत माने, परंतु ये ओपन में मीडिया के आगे अपना अपने आप को मीडिया के बीच में रखने के लिए ये सब बातें ना बोलाए, इससे लोगों के ऊपर गलत धारणाएं फैलती है, गलत परंपराएं फैलती है। सीमा संक्षेप में कुछ कहना चाहेंगी? आपको जाना है। बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि ये चीज करीना को नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये सेलिब्रिटी होते हैं और उनको लोग सुनते हैं, तो कभी भी अपने आप को हाईलाइट करने के लिए अपने आप को सेलिब्रेट